नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े और हारे। 2017 में सपा का नेता होने के बाद पार्टी से टिकट ना मिलने पर फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नासिर हुसैन की। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हुआ आपका मेयर और पार्षद में आज बात करेंगे वार्ड 52 की। हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आइए देखते हैं वार्ड 52 की जनता अपने पार्षद डॉक्टर नासिर हुसैन द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट है। मेयर, हमें ऐसा चाहिए मुरादाबाद का जिसके अंदर भेदभाव ना हो। हाँ। हिंदू मुस्लिम को एक नजर से देखे। अच्छा, अभी मौजूदा जो मेयर साहब हैं हमारे, जी जी, हालांकि वो हमारे भी मेयर हैं, लेकिन वो हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ में कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। हमारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम, कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। नगर निगम मुरादाबाद में 70 वार्ड आते हैं। 70 वार्डों में से हम अब तक आपको कई वार्डों की खबर दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो मैं आपको जिस वार्ड की खबर दिखाना चाहता हूँ, यकीनन आप उसे देख के चौंक जाएंगे। ये वार्ड 52 है, 52 करूला जायद नगर का ये एरिया लगता है। और इस क्षेत्र में जो मौजूदा पार्षद हैं वो है डॉक्टर नासिर हुसैन। नासिर हुसैन फिलहाल निर्दलीय पार्षद हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं। 2012 में नासिर हुसैन ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए निर्दलीय रहते। फिर उन्होंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीते। अब वो मौजूदा पार्षद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के पार्षद नहीं हैं। मैं अपना ओपिनियन, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना जो पूरा वार्ड में जो है एक चक्कर लगा के आता हूँ, एक राउंड लगा के आता हूँ और ख़ुद देखता हूँ कि वार्ड में असल में स्थिति है क्या। तो मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, पहले यहाँ लोगों से मालूम कर लूँ कि इनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, क्या इनके काम हुए हैं या नहीं, सड़कें कैसी हैं, नालियों की सफाई होती है या नहीं, कूड़ा उठता है या नहीं, या आने वाले चुनाव में किसे पार्षद चुनना चाहेंगे। एक चीज़ और बता दूं, इस पूरे वार्ड में लगभग 2017 में 12,500 कुछ वोट थे, जो अब बढ़कर लगभग 13,500 हो गए हैं। आने वाला चुनाव किस रुख बैठेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ एक एक करके। पहले आप बताएं हजरत, आप मुझे थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, तो माफ करना, क्या नाम है पहले आप? शमशाद हुसैन। शमशाद भाई, आप ये वार्ड 52 जायद नगर करूले में रहते हैं, आपके वार्ड में क्या कुछ साफ सफाई के काम हो रहे हैं, कूड़े उठ रहे हैं, सड़कें कैसे हैं? सड़कें बनी, अच्छा, काम भी हो रहा। कभी कोई शिकायत है पार्षद से? हमारी कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है? कूड़े उड़े वाले आते हैं? आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, अब चुनाव आने वाले हैं, दूसरे चुनाव अब स्टार्ट हो जाएंगे, अब आपका वोट किस आधार पर जाएगा? मतलब जो काम करेगा उसको जाएगा, किसी नए को लेके आओगे? ना ना, जो काम करेगा उसे दे देंगे वोट। जो काम करेगा उसे वोट देंगे, ठीक है। साहब आप बताएं, क्या नाम है आपका? अनवर। अनवर भाई, वार्ड 52 जायद नगर करूला में हम लोग खड़े हैं इस समय। मैं स्थिति देख चुका हूँ, आप मुझे बता दें कि क्या स्थिति है वार्ड की, क्या साफ सफाई हो रही है, कूड़े उठ रहे हैं, नाली साफ हो रही हैं, सड़कें कैसी हैं, क्या कोई समस्या है? जी साहब, हमारे वार्ड की साफ सफाई तो होती है, मगर स्टाफ के कम होने की वजह से, अच्छा, ये कभी कभी आते हैं, ये कभी कभी नहीं आते हैं जो सफाई वाले उसके हैं। नहीं, जो मौजूदा पार्षद जी हैं वो बराबर इसकी कोशिश करते रहते हैं, जो साफ सफाई वालों से हैं बराबर वो कहते रहते हैं भाई जाओ, तो उनके पास स्टाफ ही नहीं होता पूरा। अच्छा, आपने वार्ड पार्षद से शिकायत की थी? नहीं नहीं, पार्षद जी से हमने शिकायत करी, पार्षद जी ने भी आगे कई दफ़ा शिकायत करी। हाँ। और एक सुभाष नाम के इनके वहाँ के वो हैं मुंशी वगैरह, अच्छा, उनके सुभाष बाबू को कई दफ़ा फ़ोन करा, हमने भी जाके कहा को भाई आते क्यों नहीं हो भाई। हाँ। हालांकि इसमें पार्षद जी की कोई कमी नहीं है। हाँ। वो सुभाष बाबू का भी कहना यही होता भाई, स्टाफ कम है हमारे पास, स्टाफ कम है, तुम्हारा वार्ड बड़ा है। अच्छा, स्टाफ कम होने की वजह से थोड़ी साफ सफाई में कमी आ रही है? कमी आ रही है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी आते रहते हैं, वो साफ सफाई होती है, झाड़ू लगाने वाला भी आता ही है। हाँ। और नाली की कीचड़ निकालने वाले भी आते ही हैं, ठीक है। और जो इस वक्त मौजूदा पार्षद जी हैं भाई, वो हम सब जनता के बीच में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं वो, ठीक है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे, निर्दलीय चुनाव। आप ये बताइए, आप चुनाव आने वाले हैं, आपका वोट किस आधार पे जाएगा?
सब उनके जो वो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वह डॉक्टर नासिर साहब को ही वोट जाएगा, डॉक्टर नासिर साहब को वोट जाएगा। निर्दलीय प्रत्येक पार्षद है लेकिन वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। महिलाएं हैं कुछ, आप यहाँ आ जाएं, अब दूर मत खड़ियों। महिलाओं का 50% का भाग है हमारे देश में, तो आप मुझे बता दें, आप वार्ड नंबर 52 में रहती हैं? हाँ रहते हैं। ये बताइए, क्योंकि आपका गृहिणी है, घर में काम करती हैं, कूड़ा निकलता होगा, तो क्या कूड़े वाले आते हैं, साफ सफाई वाले आते हैं? वाले तो खैर कम ही आते हैं। कम आते हैं? हाँ। अच्छा, तो महीनों इधर कोई नहीं टेल करते? हाँ। महीनों हो गए घर कूड़े वाले को, वहाँ ढेर पे फेंक के आ रहा है कूड़ा, जो प्लाट खुला हुआ सा है वहाँ फेंक के आते हैं। तो आपने कभी पार्षद से शिकायत की? शिकायत की, कभी आ जा कभी नहीं आते। अच्छा, तो अब शिकायत कर दें तो आ जा, नहीं नहीं आते। अच्छा, जब आप शिकायत कर देती हैं तो वो आ जाता है सफाई वाला, नहीं तो नहीं आता। नहीं आता। अब चुनाव आने वाले हैं तो आपका जो वोट है वो किस आधार पे जाएगा? वो तो डॉक्टर साहब को इसलिए जाएगा कि डॉक्टर साहब आधी रात भी बुलाओ ना तो आधी रात हमारा साथ में देते हैं। अच्छा, कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, या मतलब किसी के ऊंच नीच करता तो डॉक्टर साहब आते हैं, उसका साथ देते हैं। कोई बात होती है, सही का साथ देते हैं, वो गलत का साथ नहीं देते। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक पार्षद के साथ साथ एक समाज सेविक भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। आप आए, कोई काम है उनका, आप आ जाए, आप दूर ना खड़ी हो, आप करीब आ जाएं। क्या नाम है आपका? शमीम जहां। शमीम जी, ये बताइए, आप वार्ड 52 में रहती हैं जी, तो क्या कोई समस्या है? हमारी क्या समस्या होगी, हमारी समस्या यही है क्या, लाइट वाइट सब। सड़कें वड़के कैसी बनी हुई है? हाँ सही हैं। ठीक है, अब चुनाव आ रहे हैं, अब बताइए क्या है काम अब। अच्छा, तो ये जो सड़कें वड़के बनी हुई है, थोड़ा सा मैंने देखा नाली वाली थोड़ी सी खराब है, तो शिकायत विकायत करी थी कभी? हाँ करी थी। क्या क्या आए थे, काम भी करा था और अब हो भी रहा है, हो रहा है, और नाली भी सही हो, सफाई हो रही है अब तो। खैर हमारी तरफ तो रोज आ रहा है इधर। अच्छा, हाँ वो स्टाफ की कम होने की वजह से कहीं स्टाफ आता है, कहीं नहीं आता। कहीं भी ही तो उन्होंने कह दिया, बोले के नाम ऐसा स्टाफ कम है। हाँ। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाफ के कम होने की वजह से है। आप बताएं साहब, आपका क्या नाम है? मुन्ने भाई। मुन्ने भाई, कर्मचारी हैं, उसमें भी तीन तीन चार चार लोग छुट्टी पर रहते हैं। एक तो स्टाफ ऑलरेडी कम है और स्टाफ कम होने के बाद में छुट्टी पे भी होते हैं। अच्छा, एक तो स्टाफ कम है ऊपर से छुट्टी पे रहते हैं। मुन्ने भाई जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं रहते हैं, जाही नगर में काम करना है, तो यहीं खड़े। अच्छा काम। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है, जी, जी, तो आप आगे अपनी बात रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके ये वार्ड 52 में साफ सफाई का कुछ काम हो रहे हैं? नहीं, जैसे हवा में तीर मारे जा रहे हैं? नहीं, हवा में तीर कोई नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं वो बात सही है। होते भी हैं ना भी होते, जैसे कोई परेशानी पड़ जाती है, कर्मचारी नहीं आते, या मतलब आदमी कम होते हैं तो कम होते हैं, ज़्यादा आए यहाँ तो ज़्यादा होते हैं, और सफाई भरपूर होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ लोगों की भी कमी है। जो सफाई करने वालों की कमी नहीं है? नहीं नहीं, जो जिनके प्लाट पड़े हैं वो बुनियादें नहीं कराते उनकी। हाँ। वो स्कूलों नालियों में आता है तो उसमें डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी थोड़ी है। अच्छा, जो जिम्मेदारी प्लाट वालों की है कि उनकी बुनियादें करें, कूड़ों को तो अपने संभाल के रखें, तो नालियों में भी ना आए। जो प्लाट खाली पड़े हैं तो लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं, वो नालियों में आ जाता है, वो नालियों में को आता है, उससे थोड़ी सी गंदगी होती है। बिल्कुल, अभी हुई भी पल्ली गली में जाके देखो आप कितनी गंदगी है। ये बात तो हर जगह मिलेगी कि जहाँ जहाँ पे प्लाट खाली पड़े हुए हैं वहाँ पे लोग कूड़ा ही डाल देते हैं। अब उन लोगों को इसमें कोई डॉक्टर साहब को ही कह रहे हैं कि यहाँ पे कूड़ा डालो। ठीक है ठीक है, आप आए साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं पीछे खड़े हुए। डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ 30 साल से हैं, डॉक्टर साहब के साथ हम 30 साल से हैं माशाल्लाह, और रात भी रात में हर वक्त हाजिर है। अच्छा, कोई हर काम के नहीं, कोई व्यक्तिगत काम भी हो तो वो हाजिर। हाँ, फिर वो डॉक्टर हैं एक, उन्हें अगर रात के 2 बजे भी उठाते हैं तो फौरन उठ के किवाड़ खोलते हैं, देखते हैं मरीज को। आप अगर उनकी अच्छाई बता रहे हैं या खूबी बता रहे हैं, जी जी जी, तो किसी के दबाव में तो नहीं बता? नहीं, ऐसा क्या, हमें किसी का दबाव नहीं, हम आज पहली बार बोल रहे हैं। अच्छा, हमें क्यों दबाव होगा, हम कोई पहली बार यूँ बोल रहे हैं आप? हाँ? क्या आपके क्षेत्र में कोई आता ही नहीं होगा पूछने? हाँ, आप भी पहली दफे आए? हम पहली दफे आए, हम पूरे क्षेत्र का। हाँ। और पूरे नगर निगम में जितने 70 वार्ड हैं उसमें सर्वे कर रहे हैं, बताया भी और जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं जी, और हमारा काम जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, हमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ सही है, ठीक है। आप बताइए साहब, मैंने आपसे पूछा, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? नहीं कोई मुस्कुराहट की बात नहीं, मुझे मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए। वजह कुछ नहीं है, मैं बच्चों को देख के मुस्कुरा रही हूँ। और बच्चे की भीड़ लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं। आप वार्ड 52 में रहते हैं? यस। ठीक है, ये बताइए वार्ड 52 में कुछ काम हो रहे हैं ये हवा में तीर मार के साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब? ना, काम हो रहा है और काम प्रगति पे भी है लगभग, और आप सर्वे कराए कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, काम जो लगभग काम हो ही रहे हैं। मैं देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी कहीं नालियाँ भरी हुई हैं, वो तो थोड़ा कूड़े की ये समस्या यही है, जैसे कि हमारे अभी भाई साहब ने कहा कि प्लॉट की बाउंड्री ना होने की वजह से वो कूड़ा नालियों में आ जाता है,
दूसरी बार डॉक्टर साहब की है कि डॉक्टर साहब मोहल्ले के आदमी आधी रात तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और काम भी लगभग जो है छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो, जिसकी भी बात हो, वो काम में आते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, अब नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो अब जो वोट है आपका या आपके क्षेत्र का घर का किस आधार पर जाएगा? मतलब पार्टी के नाम पर जाएगा, वो बढ़िया पार्टी से खड़े पार्टी हैं, या इस नाम पर जाएगा कि वो डॉक्टर साहब हैं आपके काम में आ जाते हैं, या इस नाम पर जाएगा कि वो काम कर रहे हैं? फिलहाल तो मेन मुद्दा विकास का है, वो विकास करा रहे हैं। अच्छा, आपके आपके जो मुरादाबाद है उसका मेयर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? मेयर भी एक जो है इसी तरीके का होना चाहिए जो मुरादाबाद का विकास कराए और लोगों की समस्याओं को दूर करे, समझे? अच्छा जी, जो लोगों की समस्याओं को दूर जो मौजूदा मेयर हैं उनसे उनके काम से कितना खुश है? मौजूदा मेयर से जैसे कि आप देखते हो कि कुछ कॉलोनियों में उन्होंने काम कराया है, लेकिन ज़्यादातर करूले की तरफ उनका ना ध्यान होते हुए, समझे, MDA की तरफ और इधर हरतले की तरफ जो काम चल रहा है, थोड़ा विकास की तरफ इधर भी ध्यान देना चाहिए उन्हें। अच्छा, इधर भी ध्यान दे लें, ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। आप बताएं साहब क्या नाम है? मोहम्मद रेहान। रेहान भाई वोट आ गया है या अभी? ना, वोट पहली बार आएगा। आएगा जी, मतलब पहचान पत्र बन गया आपका? पहचान पत्र, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया जी। तो आप तो पहली बार वोट करेंगे जी, जी। तो मुझे ये बता दीजिए, आप तो युवा हैं जी, आपका नजरिया क्या है वोट करने का, किधर जाएगा वोट आपके से और किस आधार पर जाएगा? बॉडी है इसी आधार पर जाएगा, यहाँ की साफ सफाई अच्छी होती है, डॉक्टर साहब को जाएगा और ये बहुत ही अच्छा करते हैं। जो एक बार डॉक्टर साहब को देखा आपने? जी जी देखा है, हर वक्त हमारे बीच यहीं रहते हैं। अगर अभी फोन करते तो अभी हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, अभी फोन कर देंगे तो हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। आपका आ गया वोट? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट टाइम वोट आया। अच्छा, आपकी दाढ़ी मुझे आ गए तो वोट भी आ गया होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जो आपका पहली बार वोट डालेंगे जी जी, वो किस आधार पर डालेंगे वोट? काम के आधार पर या मम्मी पापा जिधर कहेंगे उधर ही लगा दोगे? नहीं जी, अपनी मर्जी का मालिक है, हम जिधर जाएंगे उधर डालेंगे। किधर लगाओगे बताओ? जो काम अच्छा करेगा। जो काम अच्छा करेगा? आए साहब आप इधर आए। अच्छा काम करता कौन है? हाँ, वो बता रहे हैं, नासिर साहब करते हैं, वो काम कर रहा होगा तभी वो बता रहे हैं। आइए साहब, आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, ये पूरा क्षेत्र मैंने देखा, ये सारा मुस्लिम एरिया है जी, मुस्लिम एरिया। इसमें मैंने देखा कुछ साफ सफाई के मसले जो हैं वो बता दें, मैं तो अपना बात को बताऊंगा, आप ही बता दें, होती है सफाई या नहीं होती? सफाई हो रही है, बराबर हो रही है, रोज होती है सफाई हो रही है, कदम चारी रोज आते हैं कुछ। अब वही कूड़ा का जो मामला है ना, वो प्लॉट खाली जो पड़े हुए हैं उसी बिना पे कूड़ा आया था नालियों में और नाली बंद हो जाती है। अच्छा, अब कहाँ तक कदम चाहती भी, कहाँ तक सफाई करें, लोगों को सोचना चाहिए, मोहल्ले वालों को भी। डॉक्टर साहब से कभी शिकायत करी गई है? डॉक्टर साहब से तो बहुत शिकायतें होती हैं, काम भी बराबर कराते हैं, अब वो भी कहाँ तक करें, कहाँ तक करेगा आदमी। कर्मचारी का काम है, कर्मचारी नहीं सुनते, कर्मचारी कम है, कर्मचारी कम है और काम की सुनते नहीं है कर्मचारी। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बता दीजिए, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो आपका वोट और जो क्षेत्र का जो मूड है, वो जो माहौल है, वो क्या बन रहा है? क्षेत्र का माहौल तो ज़्यादातर डॉक्टर साहब को ही बनेगा। और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मुरादाबाद का मेयर भी ये तो आने वाले समय में बताया जाएगा कौन है साहब। अच्छा, अभी गुप्त रखे हुए हैं? तो गुप्त है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं साहब, आप इधर आ जाएं, आपको बहुत ठंड लग रही, लग रहा है मुझे। हाँ, अभी ज़्यादा पड़ी भी नहीं है, ठंड का टाइम है, इंतजाम करके चलना चाहिए, पहले से इंतजाम करके चलना चाहिए, ठीक है। अब जब ठंड की बात निकली है तो मुझे ये बता दीजिए, जब ठंड पड़ती है तो कुछ पार्षद साहब की तरफ से कुछ अलाव वलाव का इंतजाम किया जाता है? जी, अलाव का तो नहीं होता है, लेकिन कंबल लिहाफ इस तरह का जो गरीब आवाम है उनके लिए बांटा जाता है। मिलता? अच्छा, वो बांटते हैं नगर निगम से भी और अपनी तरफ से भी, जितना भी हो सकता है वो करते हैं। हाँ, लकड़ी भी डलवाई थी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए हजरत जी, कि इस पूरे क्षेत्र में साफ सफाई के जो काम है वो किस तरीके से होते हैं? मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो आ जाता है कर देता है, नहीं भी आता है, तो आप बताएं मुझे। ऐसा है सर, जो सफाई कर्मचारी हैं ना, उन्हें जो ऊपर से पावर मिली हुई है, वो ना तो जनता की सुनते हैं, उनके मन में जितना काम आता है वो इतना काम करके और चले जाते हैं। तो आपने पार्षद साहब से शिकायत की? साहब से भी शिकायत करी है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने कुछ बोला है ना कि भाई यहाँ से कूड़ा वहाँ उठा ले, तो वो धमकी देते हैं कि हम तुझे चिपट जाएंगे, रिपोर्ट करा देंगे तेरे खिलाफ। सफाई कर्मचारियों का कहना है ये पार्षद साहब हमारे नगर निगम में बराबर उसके लिए शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग करते तो हैं सफाई, हालांकि जितने भी वार्ड है सब में ज़्यादा सफा हमारी वार्ड है। मतलब आपका कहने का है वो सफाई तो करते लेकिन अपनी मनमानी से। जी 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 जी, मनमानी होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो रही बात काम की और डॉक्टर साहब की जी। अब चुनाव आने वाले नगर निकाय के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शहर मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए, और जो पार्षद है आपके क्षेत्र का, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं लेकिन होना कैसा चाहिए? पार्षद हमारे एरिया का ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में पब्लिक के लिए दर्द हो। अच्छा, और जो वो नेता होता है मोहल्ले का,
अगर उसके अंदर पब्लिक के लिए दर्द नहीं है तो वो कोई नेता नहीं है, जैसे लोगों ने मुझे बताया। जी जी, डॉक्टर नासिर साहब जो हैं एक पेशे से डॉक्टर हैं, ठीक है, वैसे भी लोगों का दर्द दूर करते हैं वो, और पार्षद होने के बाद में गलियों में विकास करके भी लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो खड़े होते हैं जाके, ठीक है, जहाँ हर मामले उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ वहाँ खड़े होते हैं। ये जी जी जी, अब रही बात मेयर की, मेयर हमें ऐसा चाहिए मुरादाबाद का जिसके अंदर भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम को एक नज़र से देखे। अच्छा, अभी मौजूदा जो मेयर साहब हैं हमारे, जी जी, हालांकि वो हमारे भी मेयर हैं लेकिन वो हमें सौतेला व्यवहार हमारे साथ में कर रहे हैं। जैसे हिंदू कॉलोनियों में जाके देखो, स्टाफ भी ज़्यादा मिलेगा सफाई कर्मचारी, अच्छा, और सफाई की व्यवस्था भी अलग ही मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। मुस्लिम आबादियों में जाके देखोगे कूड़ा कचरा इसी वजह से मिलेगा। चलिए, इसमें पार्षद लोग बदनाम भी होते हैं। चलिए ठीक है, आपके मेयर साहब आपको देख रहे हैं। जी, अब बताइए क्या करें। बस हमारा इतना ही कहना है मेयर साहब से कि सबके साथ एक नज़र से देखो और सबका विकास एक जैसा करो, तभी वो आएंगे चुन के। जी, हम भी बीजेपी को वोट देंगे अगर वो ऐसा सोचेंगे तो। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी समाजवादी बसपा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, विकास से ताल्लुक है, काम से ताल्लुक है, वोट वो उन्हें भी दे देंगे। ये थी जायद नगर के लोग, वार्ड 52 के लोग, जिससे हमने आपको चर्चा कराई। मैंने अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा था कि मैं इस पूरे क्षेत्र में एक राउंड लगा के, एक चक्कर लगा के आता हूँ, उसके बाद अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि मैंने देखा कि जो जायद नगर करूला गली नंबर 8, 9, 10 जब्बार कॉलोनी और जो थोड़ा सा आगे का एरिया है शम्स कॉलोनी, उसमें मैंने देखा कि जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, फर्स्ट क्लास। थोड़े जो प्लाट खुले हुए हैं उसमें लोगों ने कूड़ा डाल रखा है, जिसकी वजह से नालियाँ थोड़ी बंद हैं। उसकी शिकायत बता रहे लोग कि पार्षद साहब से कर दी है, उसका वो समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पार्षद निर्दलीय हैं, समाजवादी के सपोर्टर हैं, निर्दलीय जीते थे, अब उन्हें शायद टिकट समाजवादी से मिले या किसी और से, ये बात की बात है। हम इस चर्चा को देते हैं यही विराम, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए ईशान न्यूज़ नेटवर्क का, कौन हो आपके शहर का मेयर और कौन हो आपके क्षेत्र का पार्षद। मोहम्मद समीर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।